तो गाइस अभी हम सब लोग मिल चुके हैं न्यू भैया से। ये है नर्सिंग बिल्डिंग ग्राफिक एरा की, ये रहा ग्राफिक एरा का मेन एंट्रेंस। अच्छा हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप कि यार आप सब अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ देहरादून से, और अभी बज रहे हैं सुबह के 11। तो यार अभी मैं कॉलेज गया हुआ था, तो जैसे ही मैं कॉलेज पहुँचने वाला था उतने में मैसेज आता है कि आज जो है क्लास नहीं होएगी। तो यार गाइस स्कैम हो गया यार। तो अभी जो है मैं घर आ चुका हूँ, और घर आके मैंने नाश्ता वगैरह किया अभी। तो अभी कुछ ही देरी में हम लोग की 12 बजे से वापस से क्लास है यार, आज 3 क्लास है। तो अभी मैं फिर मिलता हूँ आपसे कॉलेज जाते टाइम। तो यार अभी मैं वापस से निकल चुका हूँ कॉलेज के लिए, और मौसम भी काफ़ी बढ़िया है यार आज, तो धूप भी मस्त आई आज। तो गाइज ये रहा ग्राफिक एरा का मेन एंट्रेंस। और इसे ही गेट नंबर 1 भी बोलते हैं। तो अभी ये वाला रास्ता जो है मेन बीटेक ब्लॉक में जाता है, मेन बिल्डिंग में, और कुछ ऐसा है मेन एंट्रेंस। भाई काफ़ी मस्त है यार। तो ये देखो गाइज यहाँ पे अभी कुछ प्रिपरेशन वगैरह चल रही है, और अभी यहाँ पे जो है ना 28 और 29 को एक प्रोग्राम है जिसमें अमित शाह जी आने वाले हैं, तो उसी चीज़ की यहाँ प्रिपरेशन चल रही है। ये देखो गाइज क्या क्रिएटिविटी है, समझ में नहीं आ रहा भाई। डायनासोर है, छिपकली, पता नहीं क्या बना रखा भाई। कीड़ा कौन सा कीड़ा भाई? पॉम-पॉम है। कौन सा पॉम-पॉम है? ये बिच्छू है। गाइज ये सब के सब कंफ्यूज हो गए हैं कि क्या करके, इनको समझ में नहीं आ रहा। ये तो ये नहीं दिख रहा क्या है? ये क्या भाई, समझ में आ रहा है तुझे कुछ? नहीं दिख रहा मेरे को। अबे पीछे आ। अबे ये जो काट रखा है, पूंछ है वो, देख पूंछ है। अबे रैबिट है ये। रैबिट कहाँ से आ गया? रैबिट की चोंच का होती है ना, पूंछ होती है। तो गाइस अभी जो है ना हम लोग इस बिल्डिंग में जा रहे हैं, और ये जो बिल्डिंग है बेसिकली इसमें नर्सिंग वाले की क्लासेस चलती हैं, और ये अभी रिसेंटली बनी हुई है, और अभी आधी बन चुकी है और अभी आधी बन भी रही है। तो अभी इसके अंदर चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको अंदर कैसा है। गाइज ये देखो, ये है नर्सिंग बिल्डिंग ग्राफिक एरा की, काफ़ी बड़ी है ये बिल्डिंग, और काफ़ी बड़ी है यार ये बिल्डिंग तो। और ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जो ये वाला है ना, ये रहा ग्राफिक एरा का स्कूल, और भाई अभी भी इसका काम चल ही रहा है इस बिल्डिंग का, नर्सिंग बिल्डिंग का। तो अभी अंदर चलते हैं फिर दिखाते हैं आपको। तो ये रहा नर्सिंग बिल्डिंग का मेन एंट्रेंस, और अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काम ही चल रहा है। तो अभी अंदर चलते हैं। भाई क्या बिल्डिंग है यार, अभी भी देखो गाइस यहाँ पे काम ही चल रहा है। तो अभी ऊपर चलते हैं फिर दिखाते हैं आपको ऊपर कैसा है। तो यार गाइस अभी देख सकते हो आप लोग ये यहाँ पे काम ही चल रहा है, तो अभी ज़्यादा कुछ बना नहीं अंदर से, पर लेकिन बिल्डिंग बाहर से बहुत मस्त दिख रही है यार। और अभी मैं जो अभी ये पूरी बन जाएगी तब आप लोग को पूरी बिल्डिंग अंदर से दिखाऊंगा कि कैसी है अंदर से। तो अभी चलते हैं। तो यार ये रहा ग्राफिक एरा का CSIT ब्लॉक, और कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड सभी कोर्सेज जो है उनकी क्लासेस यहीं पे लगती है, और हम लोगों की क्लासेस भी यहीं पर लगती है। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं, और ये रहा CSIT ब्लॉक का मेन एंट्रेंस।
तो यार कुछ ऐसा है CSIT ब्लॉक अंदर से। ये रहा LT4, हम लोगों की रेगुलर क्लासेस इसी में चलती हैं। और अभी कुछ बच्चे आ चुके हैं यहाँ पे खड़े और के बाहर पे, और अभी कुछ आने बाकी हैं। अभी एक दोस्त आ रहा है, ये देखो वैभव मंडराते आ गया भाई। और वैभव भाई कैसा है भाई, क्या मेरा ब्लॉग बन रहा है? यस ब्रो। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अपनी क्लास दिखाएंगे और ग्राफिक वगैरह की कुछ लड़के भी दिखाएंगे सुंदर सुंदर। बड़ी गलत फहमी में है ये, ना आपको सुंदर समझते हैं मेकअप कर करके। अच्छा अच्छा यहाँ पे गाइस कुछ लोग परेशान होके क्लास से बाहर निकलते हैं। तो यार कुछ ऐसी दिखती है एल्टी अंदर से। और अभी सर भी आ चुके हैं तो अभी क्लास वगैरह लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस क्या है ना कि अभी सारी क्लासेस ओवर हो चुकी है, तो अभी कुछ खाने वगैरह चलते हैं यार कॉलेज के कैंटीन में। और यहाँ पे क्या है ना कि अपने लौंडे मौज काट रहे हैं, और आज ये नया बोर्ड आ रखा है वैभव, इसकी अनबॉक्सिंग करते हुए। यार रोहन भाई हैं, वैभव भाई अनबॉक्सिंग करते हुए। गाइस नए बोर्ड लग रहे हैं आज, टीवी लग रहा है। क्या कहना चाहोगे रोहन भाई? हम कह रहे चाहेंगे आज महंगी बातचीत, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। हमारे HOD सर को लड्डू खिलाने चाहिए बूंदी है। तो गाइस अभी हम लोग खाने आए हुए थे, और यहाँ पे देखो गाइस गहरीलू भैया। हाय ब्रो, हाउ आर यू मैन? आपको देखा था भैया हमने रोडीज में, तो फाइनली घरेलू भैया से मिल गए। भैया भैया बहुत स्मार्ट हो तुम। थैंक यू सो मच, मेरे को ऐसा बोलते हैं। तो गाइस सब लोग मिल चुके हैं घरेलू भैया से। ओ माय गॉड भैया, तो यार अभी मैं अपने रूम पे आ चुका हूँ, और आते ही साथ मैंने अपना हेयर कट भी करा लिया था। तो भाई क्या ही बताओ यार, आज का दिन तो मेरा बहुत बढ़िया गया यार। भाई जिस इंसान को हमने स्प्लिट्स विला और रोडीज जैसे रियलिटी शोज़ में देखा था, आज उससे हम पर्सनली मिले यार। क्या ही बोलो भाई, वो भैया घरेलू भैया ना भाई काफ़ी ज़्यादा कूल काम, भाई उनका नेचर तो भाई बहुत बढ़िया था यार। और अभी यार मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप कि यार आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।